गुड आफ्टरनून सर। पूनम जी हैं दिल्ली से, वो जानना चाहते हैं कि जो सलून का स्टाफ है उसको इफेक्टिवली मैनेज कैसे करें जिससे सलून भी अच्छी तरीके से चले और एज अ ओनर मैं भी पीस ऑफ माइंड हो। तो पीस ऑफ माइंड अभी नहीं है और माइंड के पीसेस हो रखे हैं, इस प्रश्न से मैं ये समझ सकता हूँ। पूनम देखिए, ये बात मैं बार बार बोलता हूँ और आज वापस बोल रहा हूँ, जब रिक्रूट कर रहे हैं उसी समय रिक्रूट बिहेवियर के लिए कीजिए और ट्रेन स्किल्स के लिए कीजिए। तो अगर आप सर्विट्यूड वाले लोगों को रिक्रूट करते हो, पोलाइट लोगों को रिक्रूट करते हो, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है और स्किल्स पे आप कभी भी ट्रेन कर सकते हो। पहला ये ध्यान देना ज़रूरी है कि राइट बिहेवियर वाले लोगों को रिक्रूट कीजिए। बिहेवियर पे ट्रेन करना मुश्किल होता है, स्किल पे ट्रेन करना फिर भी आसान होता है। लेकिन एक सलून ओनर के तौर पे हम गलती ये करते हैं कि स्किल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं कि बिहेवियर को तो कंसीडर ही नहीं करते। तो रूल नंबर वन, हमेशा पहले बिहेवियर देखिए और उसके लिए रिक्रूट कीजिए, स्किल के लिए ज़रूरत पड़े तो ट्रेन कीजिए। और अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बिहेवियर में भी अच्छा है और स्किल्स में भी अच्छा है, तब आप लकी हैं। दिस इज़ पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, आपकी बात से जो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद ये रिक्रूटमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस वीडियो में, क्योंकि कन्वर्सेशनल वीडियो है, मैं जो टॉप ऑफ द माइंड प्रैक्टिकल बातें हो रही है ना, वो आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। टीम जो है ना, उसके साथ आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें आपको चाहिए बिहेवियर में, वो आप कंटिन्यूसली डेली शेयर कीजिए, चाहे वो फॉर्मल मीटिंग लेके कीजिए, चाहे वो इनफॉर्मली शेयर कीजिए। और जो अपने नॉन नेगोशिएबल हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आप बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो बार बार बताते रहिए। अब इसमें बहुत बार सलून ओनर का ये बोलना होता है कि हम एक बात बोल बोल के थक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आती क्या, या एक सिनिसिज्म आ जाता है कि कितनी बार बोलें। तो मैं आपको ये बात बोलना चाहूँगा, हर दिन कई बार आपको अपनी बातें स्टैंडर्ड वैल्यू सिस्टम नॉन नेगोशिएबल बोलने पड़ेंगे। हो सकता है लोगों को ये बात अच्छी लगे या नहीं लगे, हो सकता है लोगों को ये बात इंटरेस्टिंग लगे या बोरिंग लगे, लेकिन आपको कंटिन्यूसली जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो कम्युनिकेट करना है। तो आप इसको कार वॉश की तरह या व्हीकल वॉश की तरह ट्रीट कीजिए कि डेली आपको पार्किंग में, ओपन पार्किंग में अगर आपने व्हीकल पार्क किया है तो उसको डेली आपको क्लीन करना होता है। एक भी दिन अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो वो गंदा दिखता है। तो इसमें थकने, आपके बोर होने या किसी के बोर होने की बात ही नहीं है, आपको कंटिन्यूस ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर थ्री, जब भी कोई बातचीत टीम मेंबर की आपस में जो आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, कोई फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, या कोई बिहेवियर आपको ऐसा लगता है कि जो एक्सेप्टेबल नहीं है या रॉन्ग जा सकता है या जा रहा है, उसी समय एड्रेस कीजिए। डू नॉट वेट। बहुत बार लुकिंग गुड के चक्कर में, अच्छा दिखने के चक्कर में सलून ओनर जो चीज़ जिस समय बोलनी है उस समय नहीं बोलते, वेट करते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर आपको बात सबके सामने नहीं करनी तो आप अलग कैबिन में बुला के बात कर सकते हो, बट आपको उसी समय बात करनी है। आपको एक दिन, दो दिन उनके मूड राइट होने का वेट नहीं करना। एट द सेम टाइम जब भी आप ये बात कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी प्रॉब्लम व्यक्ति के बिहेवियर से है, व्यक्ति से नहीं है। तो किसी व्यक्ति को नीचा नहीं दिखाना, लेकिन जो प्रॉब्लम आपकी है वो प्रॉब्लम आपको ज़रूर शेयर करनी है और इमीडिएटली शेयर करनी है। जो फीडबैक, करेक्टिव फीडबैक लेट दिए जाते हैं, उनका इफेक्ट नहीं रहता, उतने इफेक्टिव नहीं रहते। तो इमीडिएटली बात कीजिए, और कोई एक्शन अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर तुरंत आपको कोई डिसीजन या एक्शन लेना है, एक्ट करना है, तो वो आपको करना होगा। माय नेक्स्ट पॉइंट इज, जो बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है, सलून की टीम में प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तब आती है जब काम कम होता है, जब वो वैकेंट रहते हैं, खाली रहते हैं।
तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सलों को बिजी रखना है। बिजी सलों में पर्सनल फ्रिक्शन कम होते हैं, और अगर होते भी हैं तो काम की बाढ़ में बह जाते हैं। तो आपके लिए तो वैसे भी अच्छा है कि आपका सलों बिजी रहे, लेकिन आपके टीम के मोराल और टीम के आपस के रेपो और आपकी इफेक्टिव लीडरशिप के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जितने ज़्यादा लोग बिजी रहें, जितना ज़्यादा काम रहे उतना आपके लिए अच्छा। तो अगर आपको टीम के कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने हैं तो एक इनडायरेक्ट बट बहुत ही इफेक्टिव तरीका है कि सलों को आप बिजी रखिए। कैसे रखेंगे वो आपको सोचना होगा, या उसके ऊपर एक अलग वीडियो हम तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो टॉप ऑफ द माइंड आ रहा है वो ये है कि अगर आप सेल्स में बिजी नहीं रख सकते तो ट्रेनिंग में बिजी रखिए, उनको स्किल पे ट्रेन कीजिए बट उनको बिजी रखिए। और जब आप स्किल के लिए ट्रेन कर रहे हैं तो जो सॉफ्ट स्किल, जो बिहेवियर आपको चाहिए, वो हार्ड स्किल या जब भी आप उनको कटिंग, कलर, मेकअप ये सब सिखा रहे हैं तो बहुत ही इंटरटेनिंग वे में उनके साथ सॉफ्ट स्किल और बिहेवियर की बातें भी शेयर कीजिए। स्टोरीज़ के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू ऐसे वीडियो भी आप उनको दिखा सकते हैं जो आप नहीं बोल रहे हो, कोई और बोल रहा है, और उनसे उनकी लर्निंग को जो उन्होंने रियलाइज़ किया शेयर करने को आप बोल सकते हो। इट कैन बी अ गुड वे। बट इसको अगर आप टेक्निकल स्किल के साथ जोड़ के करोगे तो उनका रेसिप्रोकेशन बढ़ जाता है, बिकॉज जो हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और ब्यूटी थेरेपिस्ट होते हैं उनकी सीखने की चाह टेक्निकल स्किल की बहुत होती है। तो अगर आप उसके साथ इसको वीव करेंगे तो इसका पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। और जो आपके प्रश्न से मुझे लग रहा है, वो लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं परेशान हैं कि लोग आपकी बात सुन नहीं रहे, लाइक नहीं कर रहे और आपकी बातों को समझ नहीं रहे, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जीसस, पैगंबर मोहम्मद, ये सब पैदा हुए जिंदगी में लोगों को, ये भी एक मंच पे नहीं लेके आ पाए। सारे लोग जब ये जी रहे थे या जिस समय ये लोग फिजिकल फॉर्म में थे तब भी इनकी बातों को नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे। आप और मैं तो बहुत दूर की बात है। जब तक ह्यूमन बीइंग रहेंगे, डिफरेंसेस रहेंगे। इफेक्टिव लीडरशिप में अगर आपने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि इंसान है तो मतभेद हैं, मतभेद का मतलब दूरियां नहीं होता है, और मतभेद को दूर करने का या फ्रिक्शन को सॉर्ट आउट करने का मतलब ये नहीं कि लोग आपको, सारे लोग आपको पसंद करेंगे या सब लोग को आप खुश कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया और ये जान लिया कि ये कार वॉशिंग की तरह या व्हीकल वॉश की तरह इसको डेली करना पड़ेगा, और आपने अपनी टीम को बिजी रखा, तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ये आपके प्रश्न के साथ जो प्रैक्टिकल टिप्स मेरे दिमाग में आई वो मैंने आपके साथ शेयर करी। पूनम, आप इस वीडियो को सुनिए, और इसके बाद भी आपकी कोई फर्दर क्वेरी रहती है तो प्लीज़ मुझे बताइए। बाकी लोग जो पूनम के अलावा सुन रहे हैं, आप भी अपने कमेंट डाल सकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और पूनम या जो बाकी लोग इसको सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि किसी की सलों के लिए, किसी की ज़िंदगी के लिए, किसी की ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और आपको मेरी बातें और इस चैनल की बातें ठीक लगती है तो सब्सक्राइब भी करें। यस, ये मेरी ड्यूटी बनती है और आपकी भी ड्यूटी बनती है। अगर कुछ भी सीखने को मिला तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।